गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग इन दिस चैनल। और आज की डेट है 30th अप्रैल, राइट? 30th अप्रैल 2022, एंड वी आर ऑन अवर वे टू हैव अ मॉर्निंग कप ऑफ टी। जोधपुर में सुबह के बजे हैं इस वक्त 7:15, और 7:15 के साथ भी इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी ज़्यादा धूप है कि आप हमारे फेस पे लाइट देख सकते हैं। तो हमने सोचा चाय पीने जा रहे हैं तो अकेले क्यों पीने जाते हैं, और हम साथ में स्टूडेंट्स को भी करते हैं इन्वाइट। सो जोधपुर की सबसे फेमस चाय कहाँ की है, सात्विक बताएगा आपको। सो सबसे फेमस चाय जोधपुर की है तारगर की चाय, विच इज नोन एज भाटी टी स्टॉल तारगर। हम वहीं पे जा रहे हैं, ये नियर बाय नेहरू पार्क के है, और इसकी चाय में बहुत अलग ही फील है, एकदम मतलब इट्स ओजिंग विद फ्लेवर। इट्स गॉट सच अ लवली फ्लेवर प्रोफाइल। इट्स रस्टिक एंड इट्स नॉस्टैल्जिक। आपको पी के ऐसा लगेगा कि यार बस मैं ये चाय पीता रहूं, या जब भी जोधपुर आऊं तो बस यही चाय पीऊं। सो वी आर ऑन द वे। Coming to Jodhpur for wedding is lot of hosh-posh and your entire work gets disturbed. Now your work should not get disturbed because मैं classes में कहता हूँ कर्म सर्वोपरि, काम सबसे ऊपर होता है, काम की सबसे पहली पूजा होनी चाहिए। तो क्लासेस कहाँ से लेना ये हो जाता है पंगा, क्योंकि शादी का घर है, शादी के घर में बहुत चूचा पैपा ये सारी चीज़ें चलती है। सो आई टुक अ होटल रूम ऑन रेंट इन जोधपुर नियर द वेडिंग वेन्यू। कोई खास होटल नहीं था, बट ठीक है, जैसा था काम चल गया। और अब मैं यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ। तो इट वॉज़ फन, इट वॉज़ अमेजिंग थिंग। घर वालों की गालियाँ सुन के, गालियों के बीच में क्लासेस लेते थे, मज़ा आता था। और यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ, मेरे साथ चेकआउट करते समय ये दोनों मास्टर्स यहाँ मौजूद है, दो बोथ द कंटेंट क्रिएटर्स सात्विक और प्रक्षाल, ये दोनों मेरे साथ यहाँ है। सो वी हैड एन अमेजिंग टाइम इन दिस होटल रूम। आपकी चाबी रहेगी वहाँ पे, एंड वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम होटल। सो नो मोर क्लासेस फॉर नेक्स्ट 5-6 डेज, बट लॉगिंग चलती रहेगी, एंड आई विल बी टेकिंग यू लाइव ऑन इंस्टाग्राम। बाय। आप इनको देख सकते हैं, हरिओम हरिओम हरिओम। एंड बहुत अमेजिंग ब्रेकफास्ट हो रहा है यहाँ पे, सभी जने ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन क्या क्या खा रहा है। और इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर अग्रवाल पॉलीफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय जी मंगल। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छे से बिहेव करें, क्योंकि कैमरा चालू है। और सब जने यहाँ पे खा रहे हैं और पी भी रहे हैं। ये दूल्हे का भाई, गले में चेन, हाथ में अंगूठी और ब्रेसलेट देख के समझ में आ रहा होगा पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लानिंग। लो स्वाति, चीयर्स। अरे या। और ये सिंगल और ये स्वाति अग्रवाल। और ये यहाँ पे दूसरी टेबल, और दूसरी टेबल पे ये बच्चा पार्टी। आप देख सकते हैं किस तरीके से वीडियोस कंज्यूम कर रही है। और ये है सही डाइट फूड खाना जा रहा है।
हल्दी सेरेमनी इज अबाउट टू बिगिन एंड ऑल द प्रेप्स आर डन. यू कैन सी अ वंडरफुल डेकोरेशन ओवर देयर. हमारे यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की हल्दी एक साथ होती है. दोनों जने दो एक्सट्रीम कॉर्नर्स में बैठेंगे. यहाँ पे डांस फ्लोर बना है आगे जो आपको शायद अभी यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, बट ये डांस फ्लोर बना है ऊपर वाले स्टेज के नीचे जहाँ पे सब लोग डांस करेंगे गणपति डांस. और ये पूरा सिट आउट है, बहुत ही ब्यूटिफुल डेकोरेशन है एंड फैमिली टाइम स्पेंड टुगेदर इज अमेजिंग. लुक सी, क्योंकि ये हल्दी का फंक्शन है तो हर चीज थीम से मैच हो रही है. देर आर ऑरेंजेस, देर आर लेमन्स एंड द येलो रोजेस, द नेचुरल येलो रोजेस. आम पका करते हैं पूरा. अति करती हूँ अभी. हमारे हमारे घर की दो तीन दिन पहले की बात है, वो सब जने बोलने लगे कि किसी और के नहीं हाथ तो इनको जो पकड़ लिया है इनको तो बनाओ सीईओ. अरे हाँ, एक बड़ी इंट्रोडक्शन हो जाए. एक बहुत बड़ी इंट्रोडक्शन करते हूँ. तो हमारे सामने यहाँ पे है श्री फैब्रिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, फाउंडर, डायरेक्टर, ओनली इन्वेस्टर, द वन एंड ओनली राजेंद्र जी मंगल. सब जने मुझे रोस्ट मास्टर कहते हो. ये मेरे मामा है और ये मुझसे ज्यादा रोस्टिंग करते हैं. रोस्टिंग का मतलब है खिंचाई. यार करो ना यार उसकी खिंचाई. तो पता तो चाहिए, याद रहनी चाहिए हमेशा ऐसी खिंचाई की है कभी नहीं.